तो गाइस जैसे कि हम सुबह कंटिन्यू कर रहे हैं, रात को तो बहुत लेट ओए नहला दिया, तो अब ये इतना पार्ट भी हम पीपीएफ करवा रहे हैं अकलमंदी के लिए। क्यों पंकज भैया? हाँ जी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी आता है ना, कोई भी अगर फोटो खींचता है ना तो इसके ऊपर ही बैठता है, मानते हो गए? सही बात है। डोनट की तो रात को फिनिशिंग ओके हो गई थी, ये देखो ये और कर रहे हैं। ऊपर ऊपर वाला पार्ट करवा रहे हैं हम। और कहीं रवि भैया मेन जरूरी है गाड़ी में पीपीएफ? और कहीं मेन आप ऐसा बताओ, टेंडर वो भी करवाएंगे। पहले मैं डिग्गी सोच रहा हूँ, डिग्गी से ऊपर ऊपर आगे भैया। हाँ ऊपर ऊपर वाली करवानी है, ऊपर ऊपर डिग्गी। तो स्पॉइलर हटाना पड़ेगा उसके लिए पहले मेरे को, मैं देखा नहीं, देखना एक बार देखना अभी। तो गाड़ी की पूरी वॉशिंग हो चुकी है, अलॉय अपने चमक चुके हैं, तो भाई कपड़ा मार रहा है, अभी एक दो स्टिकर और आगे एक नंबर प्लेट का जुगाड़ करेंगे। तो गाइस जैसे कि ना अपनी आगे की पीपीएफ हो चुकी थी और ये यहाँ की भी हो गई है, अब कुछ नंबर प्लेट का जुगाड़ करा रहे हैं और पूरी गाड़ी में बॉडी पॉलिश लगवाई है चमक के लिए। तो गाइस जैसे कि पंकज भैया ने रिकमेंड करा कि दो स्ट्राइप टायर स्टिकरिंग भी लगा ही देते हैं, जैसे कि बिल्कुल क्रोम के ऊपर है पंकज भैया, तो देखना उतरे ना, ना उतरे। मैं एलपी यूज नहीं करता, खाली बॉन्ड यूज करता हूं, जो एक्सटेंशन टायरों के लिए आती है। अच्छा, वो रबड़ टू रबड़ के लिए होती है, जो हम एलपी यूज करते हैं वो प्लास्टिक टू प्लास्टिक होती है, वो बाद में अकड़ जाती है। अच्छा, अगर वो प्लास्टिक को पकड़ लेती है और मतलब बिल्कुल नीचे करके लगाना। हाँ, कि हाँ, क्योंकि लो प्रोफाइल टायर है, बिल्कुल 40 की प्रोफाइल है अपनी, और बाय चांस एक किसी टायर की स्ट्रिप उतर के निकल जाती है तो एक स्ट्रिप की हो जाए तो मिल जाएगी ना? बिल्कुल मिलेगी सर, बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, ये तो फायदा हमारे यहाँ पे। हाँ अभी जैसे कि भैया ने एंड टू एंड रेडी कर दी अपनी मशीन, तो जैसे कि दुनिया इस पर रेक मार मारती है, इस पर रेक मार मारना, रेक मार नहीं मारना, बिल्कुल भी नहीं रेक मार नहीं, मारने का दिक्कत रहती है। दो दो शिप सारे टायर पे है ना। अलॉय पे तो नहीं आएगी एलपी? हाँ बिल्कुल यार, एलपी उतनी लिक्विड, मतलब बॉन्ड समझ गया मैं, एलपी उतनी लिक्विड। हाँ, पानी की तरह। अच्छा, ये जेल होता है। अच्छा, ये देखो ये जेल है, गिरेगा ना तब भी सोच के गिरने, देखो ये देखो ठीक, ये गिरने वाला सीन नहीं होता इसमें, समझ गया मैं, अलग चीज है ये, ढूंढने से नहीं मिलता है जेल। आप कहाँ से लाए हो? ये मैंने उसे अलीबाबा से मंगवाया है। अलीबाबा से? अच्छा, महंगी आती होगी मेरे। ये 1200 रुपये बोतल है, छोटी सी है। हाँ जी, ये इतने के टायर शेकरिंग नहीं कर रहे आप? अरे यार क्या करें भैया, काम अच्छे के लिए ना भाई करना पड़ता, अच्छे काम के लिए। अब तो एलपी होती ना तो मेरे हाथ में, मेरे कपड़ों में फैल भर जाती है, ये तो कोई नहीं फैलेगी नहीं। उसमें कितनी लगाई तरीके से, लोग कहते हैं हल्की लिए हल्की लगा दो, हल्की से नहीं काम, मैं बढ़िया कर रहा हूं। और एक बार दर्द ही चुकी है, आप खुद कहोगे आप एक बार क्या चुपकी है। इसको कुछ सूखने के लिए भी टाइम देना होता नहीं, है? नहीं, रखते ही अपना पेस्ट बढ़िया। अभी आप देखना, लग भी गई होगी, होगी गैपिंग, बस देखना है। मैं हूँ बिल्कुल सेंटर में हूँ, ये लग चुकी है, इसमें कुछ नहीं सूखना, कुछ नहीं होना बस। अच्छा, ये ओके वाला काम हो गया अपना। कितना टाइम चल जाएगी इससे करेंगे? जैसे कि अपनी ड्राइविंग थोड़ी रैश है, सही चलेगी, इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अगर वैसे कोई चाहे तो इसके ऊपर बंदा कुछ लिखवा भी सकता है ना। हाँ हाँ, जैसे कि एक स्ट्राइप चिपक गई, आपको थोड़ी दूर से लुक दिखाऊं, ओके लग रही है। अब देखो हमने क्या करा है, इसके सेंटर में आ दिया। हाँ, अब इसका सेंटर आ गई है। हाँ, तो ये यहाँ पे जाएगा, समझे?
ठीक है। ये एक भाई जो बना ना भाई, हाँ। ये भाई मतलब ये इसका सेंटर लेते चलता है ये। अच्छा ये भाई होता है इसका, ये होता है, हमने इसका निकाल दिया। अब यहाँ पर ऐसे रहेगा मतलब बिल्कुल सामने हो जाएगा, कोई गैप का फर्क नहीं आएगा, ना इधर ज्यादा ना इधर ज्यादा। और आपको एक बार मैं गाड़ी नंबर प्लेट की भी लुक दिखाऊं। ओके लग रही है, दिख भी नहीं रहा ऐसे, मेरा नंबर सामने खड़े हुए, देखो आप दिखेंगे कैमरे में आएगी क्या पंकज भैया वाली नंबर प्लेट है? क्या आएगी? ग्रिल। ठीक है। और ये क्या सोल्यूशन है, पेट्रोल है पंकज भैया? ये पेट्रोल है। अच्छा, इसे हम साफ करते हैं कि इसमें जो भी ऑयल तेल सब क्लीन रहता है। हाँ, इसके बाद जैसे कि हमारे टायर पॉलिश पे लगे हुए थे, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, अब इसमें ओके हो गया। ठीक है, टायर भी बिल्कुल नए है ना, जो रेक मार मारेगा बिल्कुल घिस देते हैं। पूरे पे मारेगा। हाँ, अब ये तो लग गया, ये सारा बाद में धुंधला ब्लर हो जाएगा, बाद में गंदा लगता है। हाँ, जो टायर सेकंड उतर जाती है इसमें बॉन्ड हट जाएगी ना, अगर बाद में टायर सेकंड उतर। हाँ, ये बाद में हटाओ तो हट जाएगी इसके हटाने। और नीचे टच हो रहा है कि ये टायर सेकंड? ना ना नहीं हो रहा, अच्छा खासा गैप है, बढ़िया है ना। मैंने इसलिए बिल्कुल अंडरलाइनिंग में रखा है कि बिल्कुल इस मतलब एक आधा इंच गैप में, ज़्यादा ऊपर नहीं ले रहे हम लोग। ये स्टाइल प्रोफाइल में दिक्कत ही है। ये साइज में बनाया हुआ है कि लो प्रोफाइल का बनाया हुआ है, क्वालिटी हमेशा रेडी मिलती है। अच्छा, लो प्रोफाइल के अलग है और जो बड़े टायर है। और जैसे कोई हमारे थ्रू आए उसको ऐसे स्ट्राइप्स लगवानी है, क्या कॉस्टिंग बैठ जाएगी भैया? मैं कर दूंगा, टेंशन मत लो, अच्छे रेट में काम करूंगा, जो भी आएगा ना उसको जाने का मौका मिलेगा, टेंशन मत लो। ठीक है, सब हैंड टू हैंड रेडी हो जाएगी ना, अगर कुछ लिखवाना भी हो तो? हाँ, वो सब मेरे पास मशीन लगी, लेजर कटिंग मशीन। हाँ, उसमें हैंड टू हैंड सब कुछ होगा, कोई अपना कुछ कस्टमाइज करना चाहता है, कोई लिखवाना चाहता है। हाँ, वो भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तो आप आधे घंटे में कर दोगे दोनों चीज़ें? पास चारों टायर हैं, काले पड़ जाते हैं। चमक गई कोई इसका वैसे लोशन वोशन भी आता है कुछ? इसका रबड़ है यार, ये कोई ऐसी होती है, बिल्कुल नॉर्मल है। वैसे ही मार दें फिर तो और चमक जाएगा। कुछ नहीं स्पेशल यार, देखो ठीक है, साबुन क्लीन है। हां, अभी काटिया नहीं है तो जल के उंगली के निशान तो आ ही जाते हैं, देखो वाइट चीज है। इसमें उंगली के निशान भी नहीं आएंगे, इसके ऊपर नहीं आएंगे, ये चीज कर रहे हैं ना, ये तो भी साफ हो जाएंगे। हो जाएगी, ठीक है, पहले सूखने देते हैं इसको थोड़ा। ये सूख तो गई है, सही है। आईवीटेक में मैंने तीन लगवाए थे तो मैं उसमें बोर हो गया था, ये जो दो ही घूमते हुए लगते हैं ना, यही बढ़िया लगते हैं। जैसे कि एक टायर कंप्लीट हो गया, देखो सामने से लुक पहले उस तरफ का कर दो ना पंकज, ये इधर गंदा है। तो गाइस जैसे कि अपना इधर का भी कंप्लीट हो चुका है, अपना सारा काम कंप्लीट हो गया है इधर भी और चारों इधर भी। तो गाइस कमेंट में ज़रूर बता दें कि कैसी लग रही है अब आपको गाड़ी। तो गाइस जैसे कि हम पार्किंग में आ चुके हैं, मैं आपको एक बार गाड़ी का ओवरव्यू दिखा दूं पूरा वीडियो एंड करने से पहले। इसके बाद यहाँ जैसे अपनी ऑडी खड़ी है, यहाँ इसको निकाल के यहाँ अपनी वरना खड़ी कर देंगे। एक नंबर लग रही है, मैं कहा एक बार वीडियो एंड करने से पहले थोड़ा दिखा दें, ये थोड़े हाथ लग गए, अभी साफ़ कर दूंगा मैं, अब उसको निकालेंगे और इसको खड़ी करेंगे फिर चलते हैं घर। तो गाइस जैसे कि हमने गाड़ी निकाल के इसको यहाँ लगा दिया है वरना अंदर जाएगी, तो अब करते हैं वीडियो एंड। और गाइस आपको अगर जो आज हमने थोड़ी PPF करवाई है, टायर स्टिकरिंग और जो एक दो स्टिकर कराए, आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और वरना की और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस पर भी कुछ मोटिवेशन सोच रहे हैं, इस पर भी कुछ करवाएंगे। तो गाइस प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर, और मुझे इंस्टा पे फॉलो करें SMLChanda3000, और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। बाय बाय।